हिमांशु और आप देख रहे हैं एम फॉर यू न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गाजियाबाद के मोदी नगर में शराब की दुकान खुलने को लेकर लगातार 3 दिनों से विरोध चालू है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और आबकारी विभाग हाई हाई के लगातार विरोध में नारे भी लगाए जा रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ लोगों द्वारा 3 दिनों से किया जा रहा है। दरअसल यहाँ अपर बाजार राज क्लिनिक के करीब एक शराब की दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जब ये बात यहाँ के लोगों को पता लगी तो लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। मोदी नगर SDM को भी पत्र लिख लोगों ने यहाँ शराब की दुकान को न खोलने की अपील की है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। विरोध कर रहे स्थानीय लोग यहाँ खुलने वाली शराब की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। क्या नाम है आपका? मैं ये जो 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्या क्या वो बात होगी? जी हम गली के तरफ रहते हैं, यहाँ पे शराब की दुकान खोली, हम कैसे जाना ना करेंगे? हमारे बच्चे हैं, हमारा क्लिनिक है यहाँ पे, हमारे अंदर काम है, हम गली में कैसे आना जाना करेंगे? यहाँ पे सारे दिन बराबर में स्कूल है, बराबर में गली की शॉप है, ये गुप्ता गुप्ता करवा रहा है सारा ये काम। शर्म नहीं आती ऐसी जगह पर? SDM साहब के पास गए थे आप? SDM साहब के पास गए थे? तहसील में गए, थाने में गए, सब जगह पे पूछ। तहसील में गए, थाने में गए, SDM के पास गए, विधायक के पास गए, सबके पास जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हम परेशान हो चुके हैं एटलीस्ट इस टाइम और शराब की दुकान के बाहर धरना देकर बैठ गए कि यहाँ शराब की दुकान खुल जाने पर महिलाओं और बच्चों का निकलना दुभर हो जाएगा, जबकि इस दुकान के पास में एक सरकारी स्कूल और 2 अन्य प्राइवेट स्कूल भी हैं। साथ ही यहाँ पास में एक बैंक की ब्रांच और कई दवाई और ज्वेलर्स की दुकानें भी हैं, जिनकी सुरक्षा भी यहाँ शराब की दुकान से खतरे में पड़ जाएगी, जबकि स्कूलों के पास शराब की दुकान खोलना नियम विरुद्ध है। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ के थोड़ी दूरी पर ही शराब की दुकान पहले से ही खुली हुई है। लोगों का कहना तो ये भी है कि अगर यहाँ शराब की दुकान खोली गई तो यहाँ शराबियों की भीड़ जुटने लगेगी और महिलाओं और बच्चों को परेशानी होगी। स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारियों को शिकायत यहाँ के लोग दे चुके हैं, हालांकि अभी प्रशासन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुज अग्रवाल है जी, और मैं भी इस ठेके के बराबर वाली गली में रहता हूँ। ये ठेका जो है गैर कानूनी है, बिना नियमों के विरुद्ध है। स्पष्ट नियम दिए हुए हैं एक्साइज एक्ट में कि कोई भी नगर पालिका अगर होगा तो 75 मीटर के दायरे में अगर स्कूल या मंदिर है तो वहां कोई भी शराब की दुकान नहीं खुल सकती। इसके बावजूद भी यहां पे जो है शराब की दुकान किन लोगों ने दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी मीडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाएं कि ये नियम क्यों तोड़ा गया है, ये बिल्कुल गलत है, गैर सामाजिक है। क्या प्रशासन से शिकायत करी आपने? प्रशासन से हम बहुत लगातार 6-7 दिनों से शिकायत कर रहे हैं। हमने SDM को लेके, DM साहब को लेके और तहसीलदार को लेके, थाना अध्यक्ष को लेके, कोई सुनवाई हो रही आपकी, सांसद महोदय को लेके हर जगह जो है अपनी एप्लीकेशन दी है, पर जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शराब की दुकान खोले जाने की तैयारियां फिलहाल यहां चल रही हैं, जिसके विरोध में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़क को जाम कर देंगे, और स्थानीय निवासी लगातार आंदोलन करने को कह रहे हैं। लोगों का कहना ये भी है कि ये ठेका गैर कानूनी है, नियम के विरुद्ध यहाँ ये खोला जा रहा है। पास में ही स्कूल है, डॉक्टर की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और माता बहनों का निकलना दुश्वार हो जाएगा। लोगों की आबकारी विभाग से अपील है कि इस ठेके को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत कपूर है। अच्छा, यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? शराब का ठेका खुल रहा है, शराब के ठेके खुलने के लिए विरोध कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? हम बहुत दिनों से, कभी तहसील जा रहे हैं, SDM ऑफिस जा रहे हैं, बहुत दिनों से हम हर जगह जा रहे हैं, पर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम इस गली में रहते हैं, हम सामने जाना जाना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी साथ में ज्वेलरी शॉप है, अंदर क्लिनिक है, हमारा आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। पास में स्कूल है, बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा नाम संजना कपूर है जी। हम लोग किसी गली में रहते हैं, हमारा घर है, सुबह हम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने आते हैं, दोपहर को हम लेने आते हैं, यहाँ पास में स्कूल है, बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अगर वो लड़के 9वीं-10वीं के ये देखे कि ये क्या चीज है, ट्राई करें, तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा? आप ये बताइए, हमारा भारत आजाद है और इन्होंने हमें गुलाम बना दिया।
हम यहाँ मार्केट में नहीं जा सकते, सिर ऊंचा करके बाहर नहीं निकल सकते। तीन दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, प्रशासन के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई क्या आपकी? क्या हमारी दिमागी हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं? आपका मेरा नाम राजन चौधरी है। मैं क्यों आया तीन दिन से? भारतीय जाट समाज का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं इस आंदोलन में इसके साथ हूँ। हमारी माँ बहनें या बच्चे लेने आती हैं, या मॉडल शॉप बनाकर सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है। कृपया यहाँ से इसे ट्रांसफर करा जाए या बंद करी जाए। अगर ये बंद नहीं होगा तो यहाँ आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, शहर बंद हो जाएगा। सर आप यहाँ ज्ञापन दिया है जाट समाज के लोगों ने, क्या मामला है पूरा? प्रकरण ये कि आबकारी विभाग द्वारा लीकर के दुकान का एक लाइसेंस दिया गया है और दुकान खुल गई है, कुछ स्थानीय लोग उसमें विरोध कर रहे हैं, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तीन दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी कोई सुनवाई होगी? जी बिल्कुल होगी, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम से मिले। अपने सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।